हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि एनटीए की साइट से ही है। हालांकि एनटीए में काफ़ी अब की बार कुछ जो होलमोल चल रहा है तो उसके अंदर अगर हम देखें, अभी कभी नेट के पेपर को लेके, कभी नीट के पेपर को लेके, कभी सीयूटी के पेपर को लेके, तो सीयूटी के पेपर को लेके एक बड़ी अपडेट आई है। जो सीयूटी यूजी जो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं उनका जो री एग्ज़ाम होना है उसकी डेट आ गई है। आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम जब सीयूटी यूजी के एग्ज़ाम हुए थे तो वो हाइब्रिड मोड में हुए थे, मींस कि सीबीटी और पेन पेपर मोड में हुए थे, जो कि आपके 15 से 29 जो मई 2024 के बीच में हुए थे, और 26 सिटीज़ ऐसी थी जो आउटसाइड इंडिया थी वहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो उन्होंने 30 जून से पहले पहले अपनी कंप्लेंट डाली थी सीयूटी की मेल पर, एनटीए की मेल पर, कि हमें जो है कुछ प्रॉब्लम है। मीन्स जिन कैंडिडेट्स ने 30 जून से पहले पहले डाली हुई थी कंप्लेंट तो सीयूटी यूजी एग्ज़ाम की रिगार्डिंग, तो उस कंप्लेंट को लेके एक नोटिस आया था। पहले एक बात हुई थी, सीयूटी ने कहा था, एनटीए ने कहा था कि हम जिन बच्चों की कंप्लेन है उनका हम री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो अब ये फाइनल हो गया है कि री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और जो आपकी री एग्ज़ाम डेट है वो है आपकी 19 जुलाई को। आपकी री एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं, 19 जुलाई को आपकी री एग्ज़ाम है, 19 जुलाई 2024 को फ्राइडे को होगा एग्ज़ाम। ये पहले जो आपका एग्ज़ाम होता है वो हाइब्रिड मोड में होगा, बट जो री एग्ज़ाम है, जो दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है CUET यूजी का, वो CBT मोड में होगा, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो पेन पेपर नहीं होगा। ये तो हो गई पहली बात कि जो CUET का जो यूजी एग्ज़ाम है वो 19 जुलाई को होगा। री एग्ज़ाम सिर्फ उन बच्चों का होगा जो अफेक्टेड बच्चे थे, जिन्होंने कंप्लेन डाली हुई थी। अब दूसरी बात ये आती है कि जो आपके एग्ज़ाम हैं जो पहले हुए थे उनकी फाइनल आंसर की कब आएगी और क्या कुछ उनका रिजल्ट आएगा। तीसरा पॉइंट आपका ये बनता है कि कैसे बच्चों को पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे अफेक्टेड हैं, या कैसे बच्चों को ये पता चलेगा कि उनको किस किस बच्चे का पेपर होना है। तो दूसरी बात पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके जो फाइनल आंसर की है वो प्रिपेयर की जा रही है और जल्द ही उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। 7 जुलाई तक जो चैलेंजेस थे, 9 जुलाई तक वो इन्वाइट किए गए हैं, वो ये चैलेंजेस हो चुके हैं, उनके बेस पे अब फाइनल आंसर की बनाई जा रही है और फाइनल आंसर की जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। 30 जून से पहले पहले जिन बच्चों ने डाले थी कंप्लेन उनको भी जो है उनके भी री एग्ज़ाम हो सकते हैं, और 7 से 9 जुलाई के बीच में जिन्होंने डाले हुए उनको भी अब CUET रिव्यू कर रहे हैं, उनके भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो अब मेन पॉइंट ये है कि बच्चों को कैसे पता चलेगा किसका एग्ज़ाम होगा और किसका नहीं। तो उसका सिंपल सा बात यह है कि जो जो बच्चे का एग्ज़ाम होगा उनको ईमेल के थ्रू बताया जा रहा है। मीन्स जो भी आपने CUET यूजी का फॉर्म भरते हुए आपने जो ईमेल एड्रेस फिल किया था, जो आपने ईमेल एड्रेस डाला था, तो उस पर जाके चेक कीजिए, उसके स्पैम में हो में भी, तो आपके जाके चेक ज़रूर कीजिएगा कि आपके पास CUET यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स का ही एग्ज़ाम का नोटिस या कोई जो आपके पास मेल आया है नहीं, या नहीं आया है, क्योंकि जिनका भी री एग्ज़ाम होगा उनके पास मेल आया है। आप ज़रूर से जाके चेक कीजिएगा। एडमिट कार्ड आपके जल्द से जल्द आ जाएंगे, एडमिट कार्ड जैसे अपलोड होंगे साइट पर हम आपको बता देंगे। फिलहाल डेट आई है 19 जुलाई 2024 री एग्ज़ाम की, और किन का एग्ज़ाम होगा ये सिंपल सी बात है, अपना जाके मेल चेक कीजिए, मेल पे आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। और रही बात रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा, फिलहाल आंसर की, फाइनल आंसर की जो है जल्द ही साइट पर अपलोड कर दी जाएगी। आपको फिलहाल फोकस करना है अपने 19 जुलाई वाले एग्ज़ाम पे, जो कि आपका फ्राइडे को ही है, आज ट्यूसडे है, फ्राइडे को आपका एग्ज़ाम है। तो अपना प्रिपरेशन कीजिए, CBT मोड में होगा, मेल पर जाके चेक कीजिए किन किन बच्चों का एग्ज़ाम होगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिसका एग्ज़ाम होगा उसको मेल पर इंटीमेट कर दिया गया है या कर दिया जाएगा, आप वेट कीजिए आज या कल तक। एडमिट कार्ड जैसे अपलोड होंगे हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चले कि री एग्ज़ाम CUET का डेट आ गया है 19 जुलाई 2024।